दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज निकल के आएंगे क्रिकेट जगत से सात सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों रिद्धिमान शाह के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों रिद्धिमान शाह को टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया, उसको लेकर रिद्धिमान शाह ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। राहुल द्रविड़ पर जो है उन्होंने कल बयान दिया था और आज 20 तारीख को दोस्तों उन्होंने सौरभ गांगुली के ऊपर भी बहुत बड़ी बात कह डाली है। दोस्तों आज बताएंगे आपको क्या है सारा मामला विस्तार से और बताएंगे साथ के साथ और बाकी की 6 खबरें कौन रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा और अंत में अगर वीडियो जरा सी पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लास्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ये खबरें तो हम देते हैं बाद में क्योंकि वीडियो बनती है बाद में, सबसे पहले खबरें उधर पहुंच जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। पहले बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को किया गया है गिफ्ट। जी हां दोस्तों, स्पेशल गिफ्ट जहां पर संजीव गोयल का दिखाई दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं एंड लास्ट हमारे गौतम गंभीर दिखाई दे रहे हैं। एक स्पेशल गिफ्ट जो कि है एक बैट को गिफ्ट किया है योगी आदित्यनाथ को। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख पा रहे होंगे किस तरह से योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों दूसरी खबर निकल के आती है रोहित शर्मा के हवाले से। दोस्तों आपको पता ही होगा कल स्क्वाड अनाउंस हुआ, टेस्ट स्क्वाड और T20 स्क्वाड श्रीलंका के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों अब रोहित शर्मा को ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी दे दी गई है। जी हां दोस्तों, अब रोहित शर्मा हमें टेस्ट की कप्तानी भी करते हुए देखेंगे। दोस्तों वर्कलोड अब ज्यादा आने वाला है रोहित शर्मा के पास, क्या वो इतने फिट रह पाएंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों तीसरी खबर निकल के आती है हार्दिक इज नॉट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, हार्दिक ने रणजी ट्रॉफी से भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब वो दोस्तों व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को बैक कर रहे हैं और आना चाह रहे हैं टीम में। दोस्तों इसको लेकर चेतन शर्मा से भी काफी ज्यादा सवाल पूछे गए जो कि सिलेक्टिंग कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्लेयर पर फोर्स नहीं डाल सकते, जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसा खेल सकता है, वहां पर खेल सकता है एंड लास्ट जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको रिवॉर्ड देना चाहते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस को उसको सराहना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या का टेस्ट करियर हमें ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर दिख रहा है, लेकिन व्हाइट बॉल में अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा उत्सुक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर की तरफ हम चलते हैं और दोस्तों अगली खबर अब निकल के आती है चेतन शर्मा के हवाले से। दोस्तों माजरा यह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर चेतन शर्मा जो कि कलेक्टिव कम्युनिटी के मेंबर है उनसे दोस्तों सवाल पूछे गए संजू सैमसंग को लेकर। संजू सैमसंग अचानक से टीम में आए हैं तो इसका रीजन क्या है? दोस्तों चेतन शर्मा ने साफ किया कि संजू सैमसंग हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है आने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। हैरानी वाली कोई बात नहीं है क्योंकि संजू सैमसंग एक काफी ज्यादा काबिल बल्लेबाज है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो दोस्तों ऐसे में संजू सैमसंग एक बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अब अगली न्यूज़ निकल के आती है रिद्धिमान शाह के हवाले से। दोस्तों रिद्धिमान शाह ने पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को ओपन कर दिया, जहां पर दोस्तों आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कानपुर में टेस्ट मैच खेला गया था जहां पर दोस्तों रिद्धिमान शाह ने 61 रन बनाए थे, पेन किलर खा खा कर उन्होंने बैटिंग की थी और वो टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। दोस्तों तब उनको सौरभ गांगुली ने व्हाट्सएप किया था अपने स्पॉट को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो, उनको लेकर BCCI के मन में काफी ज्यादा भरोसा है कि अभी वो क्रिकेट और खेल सकते हैं। दोस्तों यह सब रिद्धिमान शाह ने ओपन किया बात बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दोस्तों अब अचानक से जो है सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने उनको खुद कांटेक्ट करके कहा है कि वो अब जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दें, अब वो उनकी तरफ नहीं देख रहे, अब आगे का फ्यूचर प्लान कर रही है टीम। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ी बात जो है रिद्धिमान शाह ने ओपन की। ऐसे में दोस्तों रिद्धिमान शाह ने एक और चीज़ बताई कि इतने जल्दी जल्दी हमारे भारतीय टीम में जो क्विक रिएक्शन हो जाते हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इतनी जल्दी चीज़ें बदलती हैं लेकर उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी छठी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों छठी न्यूज़ निकल के आती है अजिंक्य रहाणे का टन। जी हाँ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे ने शतक जड़ दिया है। वहीं दोस्तों बात करें हम चेतेश्वर पुजारा की, सौराष्ट्र को खेलते हुए उन्होंने दोस्तों डक बनाया है। जी हाँ दोस्तों, 0 पर आउट हुए हैं चेतेश्वर पुजारा, वहीं अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार जो है शतक जड़ दिया है। अब दोस्तों आखिरी खबर की तरफ चलें। दोस्तों आखिरी खबर निकल के आती है RCB के हवाले से। दोस्तों ऑलमोस्ट सब कुछ सर्टेन है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंफर्म है, आपको RCB के कप्तान बनते हुए देखेंगे फैब डुप्लेसी। जी हाँ दोस्तों, फैब डुप्लेसी ही आपको RCB की कप्तानी करते हुए देखेंगे। अब दोस्तों आप बताइए क्या RCB के लिए चीजें बदलने वाली हैं इस IPL में, या फिर वही हमें उनका सीजन देखने को मिलेगा? सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।